नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आ गए हैं एनसीईआरटी कक्षा 4 की गणित का 12वां चैप्टर है, कितना भारी कितना हल्का। इसी से संबंधित हमने और भी चैप्टर पढ़े हैं छोटे क्लासों में। पहले ये देखते हैं इर्द गिर्द क्या बना है इसके। देखिए तराजू, देखिए तराजू, ये दोनों एक ही जगह पे रुके हैं, यानी जितना इधर उतना ही इधर। ये देखिए डिजिटल है या एनालॉग, यहाँ पे ऐसे घड़ी ऐसे करके घूमती है, 0 से लेके आगे 10 20 30 50। जब आप इस पर खड़े होते हैं तो आपका बताता है वजन, जैसे 56 किलो या 50 किलो या 70 किलो। ये ऐसा तराजू भी आपने देखा होगा, हो सकता है ऐसा भी देखा होगा आपने, कबाड़ी वाले या सुनार के पास ऐसे तराजू रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं सुनार के पास भी, सब्जी वालों के पास भी, परचून की दुकानों पे भी। ये ऐसे करके आपने बट्टे देखे होंगे, ऐसे करके बने रहते हैं, उस पर लिखा रहता है 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसे करके लिखे रहते हैं, 100 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। जिस प्रकार 1 लीटर में जो था 1000 मिलीलीटर, उसी प्रकार 1 केजी में 1000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, और एक और भी है जिस प्रकार, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, 1 केजी में 1000 ग्राम। इसमें हम क्या वजन करते हैं, वजन वजन कितना है ये देखते हैं वजन। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इसमें है कि क्या नापते हैं, दूरी, दूरी लंबाई चौड़ाई सारी चीज। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, इसमें हम क्या नापते हैं, द्रव्यमान, द्रव्य आयतन, आयतन द्रव्य, और मान लेते हैं बर्तनों का, बर्तनों का भी आयतन जो होता है आयतन। देखो दोस्तों, जो यह है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यह है लंबाई, यह है चौड़ाई, यह है ऊंचाई, इनका जो परस्पर गुणनफल होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, यदि ये ऐसा है आपका कोई शेप, इसको कहते हैं घन, या तीनों चीजें बराबर होंगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो घन, यदि बराबर नहीं तो घनाभ, बराबर यदि नहीं है इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो घनाभ कहते हैं। इन तीनों को जो आप गुणा कर देंगे तो जो आपका आएगा उसको कहते हैं आयतन। ठीक है दोस्तों, आपने इससे पहले ये भी जाना, यदि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, जैसे कोई खेत है, इसको आप गुणा कर देंगे तो आ जाता है हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या फिर उसको कहते हैं एरिया, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एरिया, क्षेत्रफल। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या तीनों ही अगर डायमेंशन आयामों को आपने कंसिडर किया है तो आयतन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पढ़ रहे हैं मेन किलोग्राम। ये देखिए आप यहाँ पे ऐसा भी आपने रोड, ये रोड देखिए, रोड चल रही है, ये रोड के किनारे ही लोग ऐसे दुकान अक्सर सर्दियों में लगा के रखते हैं, जिसमें वो रजाई या गद्दा लेके जाते हैं और यहाँ पे वजन रखते हैं वो 5 किलो। जैसे वो कहते हैं कि कैसा गद्दा चाहिए आपको, तो बताते हैं 5 किलो रुई वाला, 3 किलो रुई वाला, 7 किलो रुई वाला, और कितने क्षेत्रफल का चाहिए, कितना लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए उसका। एक बेड का है, एक बेड यानी 3 3 बाई 6, ये हो गया आपका एक बेड, ये हो गया मान लिए डबल बेड, समझ गए दोस्तों। ये 3 फीट, ये 6 फीट, या फिर कहीं कहीं पे 7 फीट के भी होते हैं, 6.5 फीट के भी होते हैं, और ये 3 फीट। तो वो पूछता है ये जो गद्दा आप ले जा रहे हैं इसमें कितनी कितना रुई रहे, रुई जो है रुई का वजन कितना, तो कहता है 5 किलो। तो ऐसे तराजू पे एक तरफ ये रख देते हैं गद्दा, और इसके अंदर रुई ही भरी है, और इधर रख देते हैं 5 किलो का, वो ऐसे जो वजन का आता है 5 किलो का, 10 किलो का, वो रख करके देख ले। देखिए अभी इधर ही भारी है, अभी यहाँ पे और रखेंगे पता चलेगा ये और कितना है, जब बराबर आ जाते हैं दोनों। तो दोस्तों जो देख रहे हैं यहाँ, 5 किलो रुई रुई जो है वो काफी हल्की होती है, इसलिए इतना बड़ा गद्दा जो है वो 5 किलो का ही है। और आपने देखा होगा जब आप वो लेके आते हैं कोई 5 किलो आलू मान ले लेके आ रहे हैं आप किसी पन्नी में, तो वो
वो थोड़ी सी जगह में, इतने में ही वो आ जाता है 5 किलो आलू। यानी आलू जो है, आलू जो है वो अगर मान लेते हैं हम थोड़ी एक ही निश्चित निश्चित एक आयतन में अगर आलू लें तो वो ज़्यादा भारी होगा। निश्चित आयतन में यदि हम कि एक बर्तन में आलू लें और एक बर्तन में रुई लें तो आलू जो है वो उसका वजन ज़्यादा होगा, ज़्यादा आलू का वजन ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों? यदि हम एक बर्तन में आलू को पूरा भर दें, बर्तन को, दोनों एक ही जैसे बर्तन हैं, दोनों बर्तन एक ही जैसे हैं, यानी मान लेते हैं इसमें 5 लीटर पानी आता है, इस बर्तन में भी 5 लीटर पानी आता है। इसमें आलू भर दिया है आपने, इसमें रुई भर दिया है, रुई, फिर इसका वजन किया, तो ये वाला जो होगा वो हल्का होगा क्योंकि रुई हल्की होती है, और ये वाला होगा जो वो भारी होगा। आप ऐसा करके भी देखें, आलू रुई या किसी और चीज़ के साथ भी करके देखें, और आप ऐसा अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दुकान पे जाके भी वजन करवा सकते हैं, कोई आपके आसपास दुकान हो तो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वजन रख करके जिसका हमें पता है, आपने देखा होगा जो ये ऐसे करके बट्टे रहते हैं, इस पे लिखा रहता है 1 kg ISI मार्क, या फिर ये क्या है, ये सरकार इसका इसका ध्यान रखती है कि ये 1 किलो हो। ऐसा नहीं कि कोई हमें, आप कभी कभी देखते हो कोई पत्थर रख करके भी ऐसे एक तरफ पत्थर रख के यहाँ पत्थर रख देगा और दूसरी तरफ फिर वजन करने लगेगा, मगर वो स्टैंडर्ड नहीं है, ये मानक नहीं है, स्टैंडर्ड ये है। आप जब ऐसे वजन ही ऐसे पे आप कह सकते हैं कि भैया इसको मत रखें, आप जो ऐसे वाले वजन है वो रख के आप इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। आप चैप्टर में देखें, आपको कोई भी समस्या हो तो आप फ़ोन करें हमें, मतलब कमेंट में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।